हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की प्रॉब्लम्स, और आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर वन, या फिर कहें हम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो टू पार्ट्स गिवन है हमारे पास, पार्ट वन एंड पार्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर वन का आपको जो सिचुएशन गिवन है, जो प्रॉब्लम गिवन है, उसकी पहले तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो यहां पे आपको टू प्रॉब्लम्स गिवन है, टू सिचुएशंस गिवन है, आपको पहले उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, और फिर ग्राफिकली उनको सोल्व करना है, मीन्स उनका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर वन है हमारे पास। इसमें कहा गया है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स ने, क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स ने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया, पार्ट लिया। यहां पे हमारे पास टू कंडीशंस है। एक तो कंडीशन ये है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया, 10 स्टूडेंट्स ने, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स 4 मोर है, किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो हम क्या कर लेते हैं, यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो इसको सोल्व करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, तो पार्ट वन का सोल्यूशन देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इसको हम मान लेते हैं एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, इसको हम वाई मान लेते हैं। अब जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से हमें इनको सोल्व करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू जो कंडीशंस हैं, क्या है कि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने। हम कितने कह रहे हैं कि कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, एक्स, और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया, वाई। इट मीन्स एक्स और वाई को प्लस कर दें अगर, तो ये टोटल कितने होने चाहिए हमारे पास, 10 होने चाहिए। एक्स और वाई को हम प्लस कर देते हैं तो ये टोटल कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। हमने कहा कि गर्ल्स एक्स है और बॉयज वाई है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड कंडीशन भी देखो इसी तरह से। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि गर्ल्स हैं जो वो 4 मोर है बॉयज से, तो यहां पे गर्ल्स कितनी है, एक्स, बॉयज कितने हैं, वाई। गर्ल्स हैं जो बॉयज से वो 4 मोर है, तो गर्ल्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं हम, मान ये देखो 7 3 से 4 मोर है ना, 7 3 से 4 ज्यादा है, कैसे पता चला कि 7 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 4 आएगा हमारे पास। तो जब गर्ल्स बॉय से
नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से फोर मोर है, फोर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज माइनस कर देंगे क्योंकि ये फोर ग्रेटर थे इससे, तो जब माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन सेकंड आ गई। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गई टू वेरिएबल। तो अब हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें टू टू पॉइंट्स इनके चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा, हम लिख लेते हैं कि व्हेन एक्स जीरो, जब एक्स जीरो होगा तो वाई की वैल्यू हमारे पास टेन हो जाएगी। सो द पॉइंट इज, सो वन पॉइंट इज हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो एंड टेन, कहां पे, लाइन वन पे। ठीक इसी तरह से व्हेन वाई इज जीरो, वाई को जब जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, टेन। सो सेकेंड पॉइंट इज एक्स टेन है और वाई इज जीरो है, तो दो ही पॉइंट चाहिए थे हमें, वो मिल गए हमें। कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए हमें टू पॉइंट्स की जरूरत होती है, वो हमें मिल गई यहाँ पे। अब ठीक इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं, व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो, जीरो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू फोर इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। यहां पे पॉइंट कितना आ गया हमारा, जीरो और माइनस फोर, एक्स जीरो और वाई माइनस फोर। ठीक इसी तरह से व्हेन वाई इज जीरो, व्हेन वाई इज जीरो, तो वाई जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फोर, तो पॉइंट आ गया फोर और जीरो, फोर एंड जीरो। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब आपको देखना है कि आप क्या स्केल लें कि इसको ठीक ढंग से आप सोल्व कर पाए। तो इसके लिए देखो, x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 10 है, तो 10-10 का स्केल है। आप 1-1 का लेना चाहे तो 1-1 का ले सकते हैं और 2-2 का लेना चाहे तो 2-2 का ले सकते हैं। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा यहां पे ले लेते हैं, इस तरह से हमने इसको कर लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सो इलेवन, ये हमारा एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड सो। यहां पे वाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। मेरे बच्चों ध्यान रखोगे ये हमारा ओरिजिन हो गया जीरो जीरो। कि आप इस काम को ग्राफ पेपर पे पेंसिल और स्केल की सहायता से इसको करोगे, ये हमारा वाई डैश हो गया। अब हम लाइन वन को प्लॉट करते हैं, तो लाइन वन में हमारा एक पॉइंट है एक्स जीरो वाई टेन, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा, वाई टेन यहां पे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया। ठीक इसी तरह से सेकंड पॉइंट है एक्स टेन वाई जीरो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, एक्स टेन और वाई जीरो, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो इसको आप मिला देंगे, आप ग्राफ फिर रिपीट करो कि आप ग्राफ पेपर की सहायता से इसको पेंसिल और स्केल के साथ करेंगे। तो यहां पे हम इसको इसके साथ मिला देते हैं, हम इस पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन। ठीक इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्स जीरो वाई माइनस फोर, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो वाई माइनस फोर यहां पर हो जाएगा, एक्स जीरो वाई माइनस फोर। नेक्स्ट एक्स फोर है और वाई जीरो है, एक्स फोर और वाई जीरो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई जीरो हो जाएगा, तो एक्स फोर और वाई जीरो। तो जब इसको हम मिला देंगे, जब हम इसको मिलाएंगे और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास सेकंड लाइन हो जाएगी। इस पे हम टू लिख देते हैं,
तो सेकंड लाइन देखो ये सीधी नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि हमने बिना स्केल के किया है, तो आप इसको स्केल के साथ कर देंगे। यहाँ पे जब आप इसको प्लॉट करोगे तो यहाँ पे दूसरी हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर, अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा सॉल्यूशन है। ये जो लाइंस है वो हमारे पास इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ये हमारा सॉल्यूशन है, इस पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट से जब हम एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, और जब हम वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट स्केल के हिसाब से करोगे, तो यहां से थोड़ा सा ये आपको इधर उधर नजर आ सकता है, लेकिन आप स्केल की सहायता से ग्राफ पेपर पे करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा हमारे पास। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है, देखो एक्स हमारे पास, तो यहां से जो सोल्यूशन है वो क्या आ गया, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन। और क्या आया वो यूनिक सोल्यूशन? एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? एक्स की वैल्यू आई सेवन। और वाई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? वाई की वैल्यू आई हमारे पास थ्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप लिखना चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो कि सो सेवन गर्ल्स एंड थ्री बॉयज टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। सेवन गर्ल्स और थ्री बॉयज ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। पहले बच्चों आप इसको वेरीफाई कर सकते हो आंसर को, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टेन बनेगा, टोटल टेन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बात, जो गर्ल्स है वो बॉयज से फोर ज्यादा थी, देखो गर्ल्स सेवन है और बॉयज थ्री है, तो सेवन में से थ्री माइनस करेंगे तो फोर ही आएगा, तो गर्ल्स बॉयज से हमारे पास कितनी ज्यादा है? फोर ज्यादा है। तो बिल्कुल सही है, इस तरह से हमने जो अपना आंसर है उसकी वेरिफिकेशन भी कर लिया। तो यहां पे हमारे पास जो पार्ट वन है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या है ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसकी। इसमें कहा गया है कि फाइव पेंसिल एंड सेवन पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज फिफ्टी, वेयर एज सेवन पेंसिल्स एंड फाइव पेंस टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो हमें वन पेंसिल और वन पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहां से तो वेरिएबल हमें क्लियरली पता चल गए कि हमें क्या करना है, पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यही हमारी वेरिएबल है। तो हम क्या मान लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल दैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन दैट इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो ये हमने मान लिया। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टू कंडीशन है। फर्स्ट है फाइव पेंसिल एंड सेवन पेन। अब देखो वन पेंसिल एक्स रुपीज की है, तो फाइव पेंसिल कितने रुपीज की होगी? फाइव एक्स की। वन पेन वाई रुपीज का है, तो सेवन पेन कितने रुपीज के होंगे? सेवन वाई रुपीज के। दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल बिल आ जाएगा, और टोटल कितने रुपीज के हैं? फिफ्टी रुपीज के हैं, तो ये फिफ्टी लिख दिया हमने इसको। तो ये हमारे पास कंडीशन वन होगी। इसी तरह से कंडीशन सेकंड देखते हैं, सेवन पेंसिल, वन पेंसिल एक्स रुपीज के, तो सेवन पेंसिल सेवन एक्स रुपीज की होगी। फाइव पेन्स, वन पेन वाई रुपीज का है, तो
फाइव पेन, फाइव आई रुपीज के होंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये कितने रुपीज के हैं, रुपीज 46, तो ये 46, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, इनके लिए पॉइंट्स फाइंड करने हैं, टू टू पॉइंट्स, ताकि हम इसको प्लॉट कर सके ग्राफिकली, इसका सोल्यूशन निकाल सके। अब देखो, जब हम एक्स को जीरो रखेंगे, सेवन वाई इज इक्वल टू 50 होगा। यहां समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझना है आपको, एक्स को अगर जीरो रखेंगे तो 7y इज इक्वल टू 50, वाई की वैल्यू आएगी 50/7, पूरा पूरा नहीं कटता क्योंकि 57 से डिविजिबल नहीं है, तो एक्स की वैल्यू जीरो नहीं रखते हैं। एक्स की वैल्यू अगर 1 रखें तो ये 5 × 1 5 हो जाएगा, इधर आके माइनस के 5 होएंगे, तो 50 − 5 = 45, 7y इज इक्वल टू 45 से भी 7 डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं लेते हम। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 10 बनेगा, इधर आके माइनस के 10, 40 हो जाएगा, 40 भी 7 से डिवाइड नहीं होता। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू जब हम 3 लेंगे तो ये 15 हो गए, इधर आके माइनस के 15 होंगे, 35 रह जाएगा, 35 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। इससे थोड़ा इजी हो जाता है, हमारा जो ग्राफ है उसमें पॉइंट्स में नहीं जाते पॉइंट, तो हम क्या करते हैं कि व्हेन x इज 0, सॉरी x इज 3, 0 से हमें ठीक वैल्यू नहीं मिल रही है, यहां पे 5 × 3 + 7y = 50, 15 + 7y = 50, तो यहां से 7y = 50 − 15 यानी कि 35, तो y इज इक्वल टू 35/7, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो एक तो पॉइंट मिल गया हमें, x तो 3 और y 5। अब y को जीरो रख के देखो, y जीरो रखेंगे तो वैल्यू x की पूरी पूरी मिल जाएगी। When x y is equal to 0, when y is equal to 0, तो 5x that is equal to 50, x is equal to 50/5. 10 यानी कि 10, तो यहां पे हमारे पास पॉइंट आ गया 10 और x 10 और y 0। पॉइंट्स आपको कोई से भी ले सकते हो, बस ये है कि इस तरह के पॉइंट आपको प्लॉट करने में आसानी रहेगी, अगर डेसिमल में आएंगे वो, फ्रैक्शन में आएंगे वो, तो हमें प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक इसी तरह से सेकंड, अगर हम इक्वेशन की बात करें, यह है 7x + 5y = 46, 7x + 5y, थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, 7x + 5y दैट इज इक्वल टू 46। अब देखो, जब हम x को जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी नहीं आएगी। हम x को अगर 1 रखेंगे तो ये 7 बनेगा, 39 बनेंगे, यहां से भी पूरी नहीं आएगी। x को 2 रखेंगे तो x को जब हम 2 रखेंगे तो ये 14 बनेगा, इधर 14 माइनस होंगे, इसमें से अगर हम 14 माइनस कर दें 32, 5 से डिवाइड होगा तब भी पूरी नहीं आएगी। x की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, x की वैल्यू 3, 21 इसमें से माइनस करेंगे 25 आ जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम 3 रख देते हैं। When x इज इक्वल टू 3, ये x की वैल्यू 3 है, ये भी x की वैल्यू 3 है, इसका कोई रिलेशन नहीं है, चांस की बात है। जब x की वैल्यू 3 रखी तो हमने 7 × 3 + 5y = 46, 21 + 5y = 46, 5y = 46, 46 − 21, यहां से हमारे पास रह गए 25, यहां से y = 25/5 कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास इस केस में पॉइंट आ गया x 3 और y 5, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेल अगर हम y को जीरो रखते हैं तो y को जीरो रखेंगे तो 7x = 46, ये भी डिवाइड नहीं होता। y को अगर 1 रखेंगे तो इसमें से 5 माइनस होंगे 41, ये भी नहीं होगा। अगर हम y को 2 रखेंगे तो 10 बनेंगे, ये हमारे पास कितने आ जाएंगे 36, ये भी नहीं होगा। अगर हम y की वैल्यू ठीक रखेंगे तो ये 15 बनेंगे,
तो 15 बनेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू तो दोबारा से देखते हैं जीरो लगते हैं तो 7x = 46 डिवाइड नहीं होने का पूरा 7 पर डिवाइड नहीं होने का वाई की वैल्यू 1 रखी तो ये 41 होगा 7 से डिवाइड नहीं होने का वाई की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो ये हमारे पास 10 बनेंगे 36 रह जाएंगे ये भी नहीं होने का वाई की वैल्यू 3 रखेंगे तो 15 बनेंगे इसमें से 15 माइनस करेंगे 15 अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 31 आ जाएगा ये भी नहीं होने का वाई की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये 20 बनेगा तो ये 26 बनेगा ये भी डिवाइड नहीं होने का वाई की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो ये 25 बनेगा 25 इसमें से माइनस करेंगे 21 आ जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये केस बन जाएगा लेकिन ये तो हम पहले ही ले चुके y की वैल्यू अगर हम 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 तो रख ली हमने तो y को हम 5 ले नहीं सकते तो कुछ और ही लेना पड़ेगा अब तो आगे चलना पड़ेगा 5 से आगे 6 पे चले 7 पे चले 8 पे चले कुछ भी चले हमें आगे की तरफ चलना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ी आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कोई पॉइंट आपको अगर चाहिए तो यहाँ पे अब आप सोचे कि आगे कहां तक चल सकते हैं आप अगर माइनस में चले जाए वाई की वैल्यू माइनस के बारे में सोच ले वाई की वैल्यू -1 रखी तो -1 रखेंगे तो ये माइनस के 5 इधर आगे प्लस के 5 हो जाएंगे तो ये 51 हो जाएगा नहीं बनती बात वाई की वैल्यू -2 रखोगे तो ये माइनस के 10 हो जाएंगे 56 हो जाएंगे प्लस के हाँ 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वाई की वैल्यू क्या रख दो आप When y is equal to -2, तो ये 7x + 5 × -2, that is equal to 46. 7x - 10, that is 46, implies 7x = 46 + 10. 7x = 56, x = 56 divided by 7. 8 पे कैंसिल हो गया तो यहां से हमारे पास पॉइंट हमें मिल गया x 8 और y -2. तो इस तरह से मेरे बच्चों ये हर एक टीचर का एक अलग अलग तरीका हो सकता है कुछ टीचर इसको इस तरह से भी करवा देते हैं कि 5x + 7y = 50 है 7y = जैसे इसकी बात करें हम तो 7y = 50 - 5x और y = 50 - 5x दैट इज डिवाइड बाय 7. अब देखो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालनी है तो वही तो काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं ठीक उसी तरह से हमें इसमें भी सोचना पड़ रहा है और इसमें भी सोचना पड़ रहा है जब एक बार x को 0 है y को 0 रखते हैं तो क्या पता हमें पूरी पूरी वैल्यू मिल ही जाए तो हम सबसे पहले 0 के लिए चेक कर लेते हैं तो ये हम इस वजह से कर रहे हैं तो ये हर हाल में ये वाला जो तरीका है यही है लेकिन इससे कुछ प्लस आएगी कुछ बेटर रहेगा आपके लिए इजी रहेगा तो इसको हम फॉलो कर रहे हैं अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा यहां पे x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है ठीक है y की 5 तक चले हुए तो कुछ ज्यादा सा बड़ा हमारे पास सिचुएशन यहां पे नहीं है x 10 है और y 8 के आसपास तक है x 10 है y तो 8 भी नहीं है 5 तक है यहां से स्केल ले लेते हैं ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारा x डैश -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहां पे हम y ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 यहां पे हमने y डैश और ज्यादा पॉइंट लगा ले आप आपके ग्राफ पेपर पे काफी जगह होती है तो उस पर आप ज्यादा पॉइंट लगा लें अब फर्स्ट है हमारे पास व्हेन x is 3 y is 5 y 5 के लिए 5 की सीट में ऊपर चलेंगे तो यहां पे आ जाए x 3 y 5 तो इस जगह पे आ जाएगा देखो तो x हमारे पास 3 आ जाएगा और y हमारे पास 5 आ जाएगा x 3 y 5 नेक्स्ट
एक्स टेन और वाई जीरो, एक्स टेन और वाई जीरो, ये पॉइंट हो गया। इसको हम मिला देते हैं, इस पर लिख देते हैं कि ये है हमारे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक इसी तरह से अगर दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारी x इज 3y इज 5, तो x 3y 5 यही पॉइंट हो गया। x 8y माइनस 2, x 8 ये रहा, y माइनस 2 नीचे आना पड़ेगा इसके सीधे यहां पे आकर इसको मिला देंगे इसके साथ। इस तरह से हम इसको ले लेंगे और इस पर लिख दें 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो यहां देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या बोला इसका, हम लिख सकते हैं सो द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज क्या। देखो ये पॉइंट हमने खुद ही प्लॉट किया था, ये तो पॉइंट हमारा क्या था 3 5, मीन्स एक्स की तरफ आएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा और वाई की तरफ जाएंगे तो 5 मिल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। यानी कि हम बता सकते हैं कि लिख सकते हैं हम कि सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पहले पेंसिल ही है, पेंसिल क्या मान लीजिए हमने एक्स रुपीज, पेंसिल एक्स की वैल्यू कितनी आई 3, तो ये कितनी है रुपीज 3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन ये है रुपीज वाई, वाई की वैल्यू कितनी आई है 5, तो ये है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ये जो कंडीशन है इसका अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो कंडीशंस है उसकी सिचुएशन है जो हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन है। अब यहां से आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, उसने कहा था कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है, पेंसिल है कितने रुपए की बनी हमारे पास 3 रुपीज की, तो 5 पेंसिल 15 रुपीज की हो जाएगी और 7 पेन है, पेन हमारे पास एक 5 रुपीज का है, तो 7 पेन 35 रुपीज की होगी, इनको प्लस करेंगे तो 50 रुपीज आ जाएगा, यानी कि सही है। दूसरी कंडीशन से भी चेक करना चाहते हो, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर करना चाहे, 7 पेंसिल 3 रुपीज की है तो 7 × 3 = 21, और 5 पेन 5 रुपीज का है तो 5 × 5 = 25, टोटल किया तो 46, तो 46 रुपीज के ही थे, यानी कि सही है। तो इस तरह से आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो, रफ वर्क में आप इसकी वेरिफिकेशन इस तरह से कर सकते हो, फिर आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपका जो आंसर है वो कहीं से उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, कहीं से वो गलत तो नहीं होगा। अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हो इस तरह से तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर पूरी तरह से सही है अगर आप वेरिफिकेशन कर लेते हो। तो जब भी आप इस तरह का कोई क्वेश्चन करें तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें। तो प्यारे बच्चों यहां पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो मैथ सब्जेक्ट है वो स्ट्रोंग होता चला जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को
प्लीज प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।